जिन लोगों ने इस प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट किया है उनके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को ये सिखाएं कि जिस सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो सोर्स का क्रेडिबल होना, ऑथेंटिक होना बड़ा जरूरी है। स्टूडेंट्स को एक परफेक्ट एनवायरमेंट दिया जाता है ताकि वो अपनी स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम है। करबला की सरज़मीन पर आज ही के दिन शिमर उबैदुल्ला बिन ज़याद का ख़त लेकर मैदान करबला में दाखिल हुआ और उमर बिन साद के हवाले कर दिया, जिसमें यजीद ने ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करने और बैत करने का हुक्म दिया। यजीद का अपने सिपाहियों को हुक्म था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते हैं तभी उनकी जान बख्शी की जाए, वरना नहीं। ताहम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के ज़ुल्म व सितम के बायस उसकी बैत से इनकार किया और ये इनकार यूं भी अहम था कि आप अलैहिस्सलाम अगर यजीद की बैत कर लेते तो मुसलमानों के लिए ये एक मिसाल बन जाती कि अगर जालिम ताकतवर हो तो अपनी जान बचाने के लिए उसका साथ दिया जा सकता है। हक़ व बातिल के मार्के के हवाले से प्रोग्राम में मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। हुकूमत का PTI पर पाबंदी का ऐलान, सियासी सफ़ों में हिजान। हुकूमत के अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी फैसले से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी तश्वीश पाई जा रही है। हुकूमती फैसले के कानूनी और सियासी सम्राट पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। पेट्रोलियम मसनूआत पर छोटे छोटे रिलीफ के बाद बड़ी तकलीफ। पेट्रोल 10 रुपए तक महंगा हो गया। नई कीमत देखकर सुबह सुबह आवाम की आंखें खुल गईं। बजट के बाद से कहीं भी आवाम को छूट नहीं मिल रही। दानिश स्कूल के तालबिल की इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर में पहली पोजीशन। अनकाशिफ की कामयाबी दानिश स्कूलों की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। हुकूमत पंजाब तारीफ की मुस्तहिक है। और कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आलम इस्लाम में शहदाए करबला का सोग। कहीं मातिम कहीं गरिया और जारी। हर जी होश और अहले दिल की आंख शहीदान करबला के गम में पुरनम। फिरका और मसलिक से बालतर होकर लोग गमे हुसैन में आंसू बहा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। रात में अवाम पर ये बड़ा बॉम गिराया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9.99 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 275.60 रुपये फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर 6.18 रुपये महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 283.63 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम 60 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर छोटे छोटे रिलीफ मिलने के बाद ये जो बड़ी तकलीफ मिली है इससे अवाम की चीखें निकल गई हैं और सुबह होते ही पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया और लोग बिल्कुल हैरान रह गए कि रातों रात ये हुआ क्या है। रात के अंधेरे में ये कीमतें इस तरह से बढ़ाई गई हैं और बजट आने के बाद हम देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट हर सेक्टर इस वक्त सरापा एहतजाज है। पहले हमने पेट्रोलियम वालों को देखा, ये लोग एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद फ्लावर मिल्स मालिकान ने एहतजाज शुरू कर दिया, फ्लावर मिल्स को ताले लगा दिए और अभी ये पेट्रोल महंगा होने पर आवाम भी सरापा एहतजाज है कि आखिर ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है। ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा है, उसके ऊपर से मज़ीद से ये जो महंगाई डाली गई है ये ज़ाहिर है किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है। लोग इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। तो इस सारी सूरत हाल में हम आवाम का रद्दअमल भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या आवाम का रद्दअमल है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो भी जानेंगे। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कि इस वक्त सामने आ रही है, पाकिस्तान और PTI साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारण ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रहे हैं। हुकूमत ने साइफर केस, फॉरन फंडिंग और 9 मई के हमलों की वजह से PTI पर पाबंदी का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आइन मुल्क दुश्मन जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। साबिक सदर आरिफ अलवी बानी PTI और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी इस फैसले से बज़ाहिर खुश दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता ये जो लीगल इम्प्लीमेंटेशन है ये किस तरह से होंगी, एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने ज्वाइन किया, लीगल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब।
जी वालेकुम सलाम। अच्छा हाफिज साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो फैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, उसमें जो वजूहात हैं उसमें फॉरेन फंडिंग केस को खास तौर पर बेस बनाया जा रहा है कि जिसकी बुनियाद पर ये पाबंदी लगने जा रही है। मैं चाहूंगी जरा इसका कानूनी पर्सपेक्टिव जो है थोड़ा सा वो उस पर रोशनी डालिएगा, आईन इस पर क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का आईन जो है वो बड़ा वाज़ह है इस मामले के अंदर, और आर्टिकल 17 जो है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बना भी सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 17(2) जो है वो आप पे कॉन्स्टिट्यूशनल कदगन लगाता है कि आप जब पार्टी बनाएं तो उस पार्टी को कोई ऐसी चीज उसके अंदर ना की जाए कि जिससे पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को या पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ अगर आप काम करते हैं तो वो बिल्कुल आर्टिकल 72 जो है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट को एक इख्तियार देता है कि वो अपना रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 15 दिन के अंदर भिजवा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर एक फाइनल आर्बिट्रेटर के तौर पे काम करेगा। और दूसरा ये है कि आपका जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके अंदर भी ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन्हीं चार एरियाज के अंदर और फॉरेन फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक रेफरेंस फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाएगा और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक फैसला करेगा तमाम लोगों को यानी कि पार्टीज को सुन के, उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ पर एक बात जो तो कि थोड़ी सी जरा मैं चाहूंगी उस पर आप भी अपना ओपिनियन दें, अभी बहालिया जो मखसूस नशस्तों का फैसला है जब वो सुप्रीम कोर्ट से आया है उसके बाद ही ये पाबंदी का फैसला किया जा रहा है। ये जो केसेस की बात हो रही है ये तो बहुत पहले के केसेस हैं और ये अदालतों में चलते भी आए हैं, लेकिन उस वक्त ये फैसला नहीं किया गया कि इस जमात पर पाबंदी लगाई जाएगी, ये जमात बड़ी खतरनाक इस मुल्क के लिए साबित हो सकती है। ये इतने वक्त के बाद जो ये फैसला किया जा रहा है, क्या इसमें और भी चीज़ें हैं जिनको देखा जाएगा? देखिए चीज ये है कि टाइमिंग डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसके अंदर आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला गया था वो तो पीटीआई का गया ही नहीं था, वो तो आर्टिकल 51 के नीचे एसआईसी का एक इशू था जो रिजर्व सीट्स का था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के फेवर के अंदर फैसला कर दिया जो कि पहले से चलता आ रहा है और उस वक्त ये बात नहीं की गई क्योंकि इस वक्त उसी केस को बेस बनाया जा रहा है ना फॉरेन फंडिंग केस को। देखें जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसके अंदर सिर्फ उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं की, उन्होंने दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की है। अगर आर्टिकल 17(2) के अंदर जाएं तो वो उसके अंदर फॉरेन फंडिंग के साथ साथ जो दूसरे इश्यूज हैं जिसके अंदर आपका वर्ल्ड बैंक का एक लेटर है या उसके बाद आपका साइफर वाला जो मामला है या 9 मई वाला इंसिडेंट है वो उसको उसके अंदर कोट करते हैं, और दूसरा आर्टिकल 6 वाला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कासिम सूरी की जजमेंट जो आई थी जब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, उस वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस के प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट किया गया था अप्रैल 2022 के अंदर, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा गया था कि आर्टिकल 6 के अंदर एक जज साहब का व्यू आया था कि जिन लोगों ने इस प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट किया है या कॉन्स्टिट्यूशन को डेविएट किया है उनके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दो ये इंडिपेंडेंट है ये मैटर्स है, लेकिन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सही है। अच्छा हाफिज साहब, आपको पता है कि लोग अपनी अपनी राय इस पर दे रहे हैं, वैसे तो जो अता तारण है उन्होंने कहा है कि जी बड़े एहतराम से हमने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशस्तों वाला उस पर भी रिव्यू की दरख्वास्त दायर करनी है, और दूसरा जाहिर है ये फैसला आने के फौरी बाद जब इस तरह की पाबंदी लग रही है तो बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही है कि ये जवाब जो है ये सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है इस तरह का ऐलान या पाबंदी की बात करके। नहीं देखें ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पोलिटिकल नैरेटिव और होता है, आपकी लीगल स्ट्रैटेजी कुछ एक और होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि हम एक दूसरे की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। यही आप देख रहे हैं ना 12 जुलाई से पहले आप देखें कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट के पूरे चीफ जस्टिस के ऊपर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है।
अगर उनकी फेवर के अंदर फैसला आता है तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है, जजेस भी ठीक है, और अभी भी देखे ना 12 जुलाई वाला मामला आया है तो उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के साथ खड़ी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया आईन और कानून के मुताबिक किया है, आइंदा भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे तो हमें उस फैसले को मानना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर वो फैसला गलत है तो आप उसका जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको अवेल करें, उसको चैलेंज करें। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा ये लीगल रेमेडी की आपने बात की है तो जरा रिपरकशंस मुझे बताएगा। ये ऐलान भी आपके सामने है और मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आपके सामने है, इससे अगर तो इस जमात पर पाबंदी लग जाती है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? वो 23 नशिस्तें जो कि इस जमात को मिली हैं अभी जाहिर उस फैसले के बाद, तो अगर पाबंदी लग जाती है तो फिर क्या उसके असरात होंगे? देखिए, सेक्शन 213 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो बड़ा वाज़े इस मामले के अंदर कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई डिक्लेरेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भिजवाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस डिक्लेरेशन को कंफर्म कर देती है, और पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जिसके अंदर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था और दूसरा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हैं, पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबलीज के हैं, यानी कि सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, और उसके बाद जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आएगा वो डी सीट हो जाएंगे और उसके बाद उन सीट्स के ऊपर नया इलेक्शन जो है वो करवाएगी। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी यही है और आपका जो इलेक्शन एक्ट 2017 वो भी यही कहता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएगा कि अब इस सारी सूरत हाल में जाहिर है आप इस केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अब ये पाबंदी जो कि लगने जा रही है वो लोग भी जाहिर है अदालत से रुजू करेंगे कैसे कैसे पाबंदी लगा दी गई है, जिस तरह उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपना मखसूस शिशतों का केस भी लड़ाया और अब जाहिर है इस मामले पर भी जाएंगे, तो आपने इस तरह के केसेस माजी में कैसे पहले इस तरह के एग्जाम्पल्स देखी किसी जमात पर इस तरह पाबंदी लगाई जा रही हो विफाक की तरफ से और वो केस अदालतों में आए? देखिए सहरिश, बिल्कुल पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर एक है, 1954 के अंदर भी पाबंदी एक पॉलिटिकल पार्टी पर लगी, उसके बाद 1964 के अंदर जमात इस्लामी के ऊपर एक पाबंदी लगी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उस दौर की फेडरल कोर्ट थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो पार्टी दोबारा काम किया। फिर उसके बाद जब हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जो नेशनल पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी, नैप उस दौर के अंदर थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास एक रेफरेंस गया, फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई। उसके ऊपर 71 के अंदर भी पाबंदी थी लेकिन भुट्टो साहब ने उस पाबंदी को लिफ्ट ओवर किया, लेकिन उसके बाद दोबारा उसके ऊपर एक रेफरेंस बनाया गया आर्टिकल 72 का जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद अभी भी आपके सामने पिछली जब PTI की गवर्नमेंट थी तो TLP जो है उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कदगन लगाई थी, उनको बैन किया था लेकिन बाद के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने उसको विदड्रॉ कर लिया। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर ऐसा है, लेकिन जो भी चीज़ की जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो अनब्रिडल नहीं है, उनके डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, उनका ये लीगल मैंडेट है या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि वो केस तो बना सकते हैं लेकिन वो केस जो है उसका फाइनल फैसला आपकी सुप्रीम कोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट उसका फैसला करेगा और वो फैसला जो मेजॉरिटी के साथ करे वही होगा। उस फैसले के खिलाफ जो है ना कोई इंट्रा कोर्ट अपील की जा सकती है और ना उस फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल किया जा सकता है। तो आर्टिकल 17(2) के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है तो डेट अटेन्स द फाइनलिटी, उसको आप किसी जगह चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन बुनियादी तौर पे जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो है इसका पॉलिटिकल एंगल, और पॉलिटिकल एंगल जो है वो मेरा ख्याल है कि इस केस के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी इतनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबलीज के अंदर मौजूद है या इतने लोगों ने उन्हें वोट दिया है, क्या उसे बैन किया जाना चाहिए या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कंसिडरेशन क्या होगी। लेकिन सैरश, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी पोलिटिकल पार्टीज को भी मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर अगर आप हुकूमत के अंदर हो तो अगर आप मेजॉरिटी आप लूज कर जाते हैं तो आपको अपोजिशन में बैठना चाहिए। अगर आप अप्रैल 2022 के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी जो सक्सीड हुई, इन्हें चाहिए था अपोजिशन के अंदर बैठते और अगर अपोजिशन करते तो मेरा ख्याल ये है कि आज मुल्क जिस सिचुएशन के अंदर है उस सिचुएशन के अंदर नहीं आना था, जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल उसके बाद सही हो गया। अच्छा, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हाफिज साहब, आखिर में मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि जिन केसेस की बात हो रही है
9 मई के केसेस की बात हो रही है, फॉरेन फंडिंग केस की बात हो रही है, फिर अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ एक करारदाद मंजूर कराने की बात हो रही है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात में बहुत सारे लोग बरी भी हो रहे हैं अदम शवाहिद की बुनियाद पर, और अमेरिका में करारदाद किसके कहने पर है कैसे, ये भी कोई मतलब सॉलिड प्रूफ नहीं है इनके पास। तो उसकी बेस पर अगर ये पाबंदी लगाई जा रही है तो आपका क्या ख्याल है, ये वेटेज इस केस का क्या देख रहे हैं आप अगर ये अदालतों में जाता है? देखें, अदालत में तो जाना ही जाना है ना। अगर कैबिनेट इसको अप्रूव करती है, कैबिनेट का मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अगर इसको अप्रूव करते हैं और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास डबल ओनस इस चीज का आएगा उनके ऊपर, कि एक तो ये है कि आपने क्या आपके पास सबूत है, और दूसरा उनका कनेक्शन क्या है कि जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन मैं सरेश, एक चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह पीटीआई का एक नैरेटिव जो है वो एंटी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, वो भी मेरा ख्याल है कि किसी जगह आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ना उनसे अदालत जो है क्रिटिसिज्म से महफूज है, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उससे महफूज है, ना उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर भी एक ऐसा लेवल ऑफ टॉलरेंस नहीं है कि जिसके अंदर उनके साथ बैठ के बात की जाए। और फिर आप ये देखें कि उनका सोशल मीडिया जो है वो किस तरह बिहेव करता है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के। लेकिन वही बात है कि हाफिज साहब, इसमें टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, टाइमिंग बहुत मैटर करती है इस ऐसे वक्त में पाबंदी लगाना कि जब उनकी अक्सरियत कौमी असेंबली में साबित होने जा रही है और उनको मखसूस नशस्तें मिल चुकी हैं, तो पॉलिटिकल गेन के लिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल कंसिडर करने वाली बात है। खैर, ये मामला भी आगे अदालतों में जाएगा तो देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ एहसान साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने इस पर अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, हम रोज़ाना सोशल मीडिया पर एक नई नई खबरें देखते हैं और यकीन जानिए उनमें से बहुत सी खबरें हकायक से कोसों दूर होती हैं, क्योंकि कहानी का एक रुख अक्सर लोगों को गुमराह कर देता है और लोग देखा देखी में अपने दिल की भड़ास निकालते हैं कि उसने इस पर बात की है तो मुझे भी करनी चाहिए। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सानिया ज़हरा का नाम ट्रेंड चल रहा था, जिसमें सारिफिन की जानिब से 20 साल सानिया ज़हरा के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। मगर इस ट्रेंड में बहुत से सारिफिन की जानिब से ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी कि टोटल गलत मालूमात, मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया किस तरह हमारे जहनों पर अपना असर दिखा रहा है, इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट असद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असद जी। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? जी जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, मुझे ये बताएगा असद कि मैंने भी मिस इन्फॉर्मेशन की बात की है, और ये मेरा ख्याल है कि हम जो फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात करते हैं और हम जो ये डिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, फेक न्यूज़ की बात करते हैं, ये सारा मामला उससे जुड़ा हुआ है। अब यकीन जानिए कि एक ऐसी खबर थी सानिया ज़हरा केस के जिसमें कुछ ऐसी बातें, ज़ुबान काट दी, दांत तोड़ दिए, जॉ फ्रैक्चर कर दिया, हैंग कर दिया, छोटा मासूम बच्चा था, ये जो एक सनसनी फैलाई गई, या तो जस्ट ये एक व्यूज़ की दौड़ है कि लोग इस तरह की खबरों पर फौरन से कोई ना कोई रद्दअमल देंगे, उनके इमोशंस के साथ खेलना चाहिए, ये जो लोग कर रहे हैं आपके ख्याल में इनको लगाम डालना कितना जरूरी हो गया है? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम थोड़ा सा होलिस्टिकली अगर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। डिसइंफॉर्मेशन पे और मिस इन्फॉर्मेशन पे मैंने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में जितना काम किया है मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और ने किया होगा। देखें, दो तीन सिंपल मैं आपको बातें उस पर बता देता हूँ। नंबर एक, मिस इन्फॉर्मेशन जो है या जिसको आप फेक न्यूज़ कोट एंड कोट कहते हैं, वो पाकिस्तान का नहीं दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया ही उससे ग्रैपल करी है। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने इसको एक डेंजर करार दिया है अपने लिए, राइट, पूरी दुनिया के लिए। तो ये तो एक बात तय हो गई, नंबर एक। नंबर दो, अब आप इसको रोकेंगे कैसे? देखिए, रोकने का तरीका अगर आपके पास ये है कि आपने डेफिमेशन लॉ बनाना है, रोकने का तरीका आपके पास ये है कि आपने एक नई साइबर क्राइम एजेंसी बनानी है, या रोकने का तरीका आपके पास ये है कि आपने कॉल्स टैप करने की एबिलिटी और फैसिलिटी देनी है, तो उससे ये काम नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये उससे काम होता तो वो ममालिक जो हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में, अमेरिका है, यूके है और बाकी ममालिक यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर तो ये काम होता उस काम से तो वो कर चुके होते ऑलरेडी, वो क्रिमिनलाइज कर चुके होते और वो ये सारी प्रैक्टिस पे भी वो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। एक विंडो मौजूद है कि जिसमें एटलीस्ट कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया है। देखिए, मैं मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं बताता हूँ। देखिए,
विंडो मौजूद है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस तरह से पड़ता है कि आपने अपनी आवाम की एजुकेशन की है कि नहीं की है। अब आपको ये मेरी बात थोड़ी सी बोरिंग लगेगी क्योंकि ये सुनने में बहुत एक आमियाना सी बात लगती है कि आपने एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा इस पर मुझे एक सेकेंड दीजिएगा अगर मैं इस पर एलैबोरेट कर सकूँ। देखिए इस ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको हम इन्फोडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक की तरह, बीमारी की तरह। और बीमारी का इलाज सिर्फ उसी तरीके से होता है जब आप किसी बीमार को या पेशेंट को प्रॉपरली डील कर सकें। उसकी क्रिमिनलाइजेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्री एक्सप्रेशन का वो वाला जो पार्ट है जिसको हम डेंजरस एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उसको क्रिमिनलाइज ना करें। वो ऑलरेडी क्रिमिनलाइज है हमारे लॉ में। अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी के बारे में ये कहे कि उसको हार्म होना चाहिए या उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए ऑनलाइन, तो वो इंसाइटमेंट है, वो क्राइम है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां तक बात रही इसकी कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन के लिए फॉल करते हैं, तो किसी भी किस्म की क्रिमिनलाइजेशन से वो चीज़ इंप्रूव नहीं होगी। देखिए क्या होगा, आप लोगों को जेल करेंगे, क्रिमिनल केसेस बनाएंगे, उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो दोबारा से इस एक्सरसाइज में जो है वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। जो क्रिमिनल फैसिलिटीज होती हैं वहाँ पे आप मजीद इस चीज़ को वो जो है ना उसकी बढ़ाते हैं। तो मसला ये नहीं है कि आपने क्रिमिनलाइज करना, मसला ये है कि आपने एजुकेट करना है। मेरा सवाल ये है, और ये आप अपने टेलीविजन के थ्रू भी पूछेगा मुझसे, मेरा सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है फिर जी? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, सोल्यूशन ही की बात कर रहा हूँ। ये आप अपने टेलीविजन के थ्रू पूछिएगा गवर्नमेंट से। सवाल मेरा ये है मैडम कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट ने, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, मुहिम चलाने की कोशिश की है जहां पे उन्होंने अवाम को एजुकेट किया? इलेक्शन से पहले बेहतरीन टाइम था हमारे पास जब हम एक नेशनल कैंपेन करते और अवाम को एजुकेट करते कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन से, कोट एंड कोट फेक न्यूज से बचना किस तरह है। क्या आप मुझे बताइए, आप न्यूज चैनल में काम करती हैं, आपने देखी कोई ऐसी कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ? देखिए मैंने तो पाकिस्तान में एक एग्जांपल देखी है जिसमें कि जब भी किसी के खिलाफ कोई फेक कैंपेन चलाई गई है, यहाँ पे किसी की करेक्टर असैसिनेशन बेस्ड कैंपेन चलाई गई है, तो लोगों को घरों से उठा लिया गया है। वो कहाँ गए, कैसे गए, ये बाद में पता चला कि चले गए। इससे मामला हल नहीं होगा। इससे अगर आप ये समझेंगे कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी या एक चिलिंग फैक्टर क्रिएट होगा, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा इससे क्रिएट। ये जो सारे डेफेमेशन लॉज बने हैं, मैं इसको बहुत एक्टिवली मॉनिटर करता रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये लॉज गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए बनाए। देखिए सर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप तो अभी हम लोग तो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े संगीन ऐसे मैटर्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर चाइल्ड लेबर को लेके मैं बड़ा ये संगीन जुर्म समझती हूँ, जो बच्चों के साथ ज़्यादती होती है या उनसे जो लिया जा रहा होता है काम, उस पर लॉज मौजूद है, कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कभी आपने देखा है कि कोई रीजनेबल फैमिलीज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो? मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये बनता है, मुझे ये बताइएगा, मेरा सवाल ये है कि एक रीजनेबल सिविल तरीके से क्या मिस इन्फॉर्मेशन को, और ये मैंने जवाब नहीं देना है, आपने जवाब देना है, क्या सिविल तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को डील करने के लिए पाकिस्तान में कोई इकदाम हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मेरे सामने तो मुझे कोई नजर नहीं आया। नहीं हुआ, नहीं हुआ। आई डोंट नो कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट यू नो फोकसिंग दिस मैटर, कंसीडरिंग नहीं कर रहे वो लोग इस मैटर को। क्रिमिनलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। ये बात गवर्नमेंट को जहन में बिठा लेनी चाहिए कि वो चाहे जितनी मर्जी साइबर क्राइम एजेंसी बना लें, अगर उसका एम ये है कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन रोकनी है, या वो जितनी मर्जी फायरवॉल्स लगा लें, उनका एम ये है मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम असद साहब ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकली इस वक्त सारा देखा जा रहा है कि कहाँ गेन है कहाँ लॉस है, उसको देखते हुए जो भी मतलब कार्रवाइयाँ हैं वो उस हद तक लिमिटेड हैं। इससे आगे जो एक नॉर्मल सारिफिन है वो किस किस्म के क्राइम्स कर रहे हैं उसकी रेशो बहुत कम है कि उनको पकड़ा भी जा रहा हो या उनको सजाएं भी दी जा रही हूँ। ऐसी कई लड़कियाँ जो कि आदमियों के हाथों ब्लैकमेल भी हो रही हैं, और जाहिर है ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ इस पर कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा, कोई इस पर ऐसे कवानीन मौजूद नहीं कि जिन पर इम्प्लीमेंटेशन नजर आए, लोगों को सजाएं हो, लोगों के दिलों में खौफ हो। कवानीन तो तब होना, देखिए कवानीन होंगे लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक फायदा क्या उन कवानीन का, लोगों को पता ही नहीं होगा कवानीन है। उसको एक पॉलिटिकली अप्रोच किया जा रहा है इस मामले को, इंटरनेट को, और इंटरनेट के मामले की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेट के मामले को पॉलिटिकली अप्रोच किया जा रहा है। सिर्फ अप्रोच ये है कि जो हमारे खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होनी चाहिए, बाकी खैर है, बाकी अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता
देखते जी जी बताइए, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मुझे आप ये बताएगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, इवन के जो हमारी यूथ है, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाती हूँ मुझसे पहला सवाल ये करते हैं कि मिस हमें ये बताएं कि अगर हमने किसी खबर के बारे में ये जानना है कि ये एक्चुअल खबर है, ये फैक्ट बेस्ड खबर है या फिर ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, तो ये हम कैसे करें? तो मैं चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप इस सवाल का जवाब दें कि अगर खबर गलत है तो आम सारिफ को कैसे पता चलेगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, मैं मेनली सहाफ़ी हूं और कोई 12-15 साल मैंने मेन स्ट्रीम इदारों में काम किया है और मैं अब जो है वो डिजिटल राइट्स के लिए काम करता हूं। तो देखें, उसका सिंपल सा तरीका है आपके, वो आप किस तरह कि आप मीडिया मैटर्स के बानी हैं, तो मैं आपके एक्सपीरियंस की बेस पे अंग्रेजी में कहता हूं, अंग्रेजी में उसको बता देता हूं, उसको सोर्स वेरिफिकेशन कहते हैं। उसका मतलब यह है कि मसलन आपकी एग्जाम्पल ले लें, ये जो ज़ारा साहिबा वाली अभी खबर की बात आप कर रही थी, आपने ये देखा या आपने यूट्यूब पे किसी एक चैनल पे ये सुना कि एक खातून है उनको मर्डर कर दिया गया है और आपने उस पर यकीन कर लिया, तो आप अपने आप से सवाल करें कि क्यों यकीन कर लिया? एक तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसे वाकयात होते रहते हैं तो वो तो यू नो कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, आपको किसी बड़े इदारे ने, डॉन जैसे इदारे ने या किसी और जर्नलिस्टिक इदारे ने, बोल ने, किसी और इदारे ने उस पर रिपोर्ट नहीं किया, आपको सिर्फ वो एक यूट्यूब चैनल से या एक फेसबुक वीडियो से अगर वो आपको बात सिर्फ नजर आ रही, तो आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आपने उस पर क्यों यकीन किया। इसको हम सोर्स वेरिफिकेशन कहते हैं। उसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये सिखाएं कि जिस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो सोर्स का क्रेडिबल होना, ऑथेंटिक होना बड़ा जरूरी है, उसको क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली आप जब नेक्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में जाएंगी ना, उनसे ये जरूर कीजिए, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूँ और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि देखें आप अपने आप से पूछें कि क्या आपने क्वेश्चन किया उस सोर्स को, और अगर आपने नहीं किया तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे स्कूलिंग के दौरान आप, ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि आपकी स्कूलिंग के दौरान आपको ये बताया जाता है कि आपने सवाल सिर्फ वो करना है जो कि जिसकी इजाज़त हो या जो आपको आपके टीचर है उसका जवाब दें, नहीं तो उसके अलावा आपने बात नहीं करनी। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है वो अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता। तो आप नेक्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करें उनको सिर्फ एक चीज बताइएगा कि आप क्रिटिकली सोर्स को एनालाइज करें, यानी कि आप ये सोचें और अपने आप से ये पूछें कि जो इस खबर पे आप बिलीव कर रहे हैं क्या वो सच्ची है, और अगर वो सच्ची है तो उसका क्या शवाहिद मौजूद है, उसके क्या आपके पास एविडेंस है कि वो जो सोर्स है वो जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर। बिल्कुल, आप बड़े अच्छे से आपने इस बात को एलैबोरेट किया और समझाया। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने जैसा कि कहा कि पहले तो आप ख़ुद से पूछें कि खबर सही है या क्या आपको इस पर फील हो रहा है, और आपने इस पर अगर रिस्पॉन्ड किया तो आपने क्यों किया है, और दूसरा सोर्स ये कि वो ऑथेंटिक इदारे जो किस मुल्क में मौजूद हैं, वो न्यूज़पेपर्स जिनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, जिनको अकाउंटेबल किया जा सकता, जिनके लिए पैमरा बना हुआ है, या फिर कोई भी अखबार अगर उस तरह की खबर शाया करता है तो उसको भी पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर ये जो फेक पेजेस बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जिस पर लोगों का जो दिल चाहता है वो लिखते हैं, लोगों की करेक्टर असैसिनेशन करते हैं, हर तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, अब उनको अगर हमने पकड़ना है या इस सिलसिले को रोकना है तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पर वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि फौरी तौर पर लिए जाने चाहिए ताकि एटलीस्ट इस चीज़ को कम किया जा सके? देखिए, इनिशिएटिव तो बहुत सिंपल है जी, और ये आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है, ये मेरे ख्याल से 2022 की बात है, इफ़ आई एम राइट, जब अतर मिनल्ला साहब ने पेका ऑर्डिनेंस जो पीटीआई लेके आई थी उसको उन्होंने वो किया था, स्ट्रक डाउन किया था, और उन्होंने अपने डिसीजन में लिखा था, ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, उन्होंने ये लिखा था डिसीजन में कि जो पाकिस्तान में सिविल डेफिमेशन लॉ मौजूद है, हमारे पास एक सिविल डेफिमेशन लॉ मौजूद है, उसको एम्पावर किया जाए, नंबर एक, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके रिफॉर्म पे काम करें। देखिए, सिविल डेफिमेशन क्या होती है, यूके में आप क्यों किसी के बारे में डेफिमेशन नहीं फैला सकते, आप क्यों किसी के बारे में बात नहीं कर सकते विदाउट कमिंग अंडर द लॉ, उसकी वजह यह है कि उनके जो सिविल डेफिमेशन लॉज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वहाँ पे आप कोई किसी के बारे में हार्मफुल बात नहीं कर सकते। यहाँ पे भी मसला यह है कि जब हम डेफिमेशन की बात करते हैं, मसला यह है कि वो क्रिमिनल डेफिमेशन की बात होती है और वो क्रिमिनलाइज्ड एक प्रोसेस करने की बात होती है और उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है।
तो जब तक हम सिविल डेफिमेशन को पाकिस्तान में स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, जब तक हम डेफिमेशन को एक सिविल मैटर के तौर पर नहीं देखेंगे और उस पे जो है हम प्रोसिक्यूशन में और केस लॉ जनरेशन में नहीं जाएंगे, तब तक अनफॉर्चुनेटली ये मामले चलते रहेंगे। देखें किसी की भी आप कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कर रही हैं, मैं तो थोड़ा सा उसको, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं उसको एलैबोरेट कर दूं। आप बेसिकली किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हैं। मसलन मैं आपके बारे में कोई बात करूं या कोई आपके बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात करे, तो इससे आपको, आपकी सेल्फ को भी हार्म होगा, आप जो काम कर रही हैं टेलीविजन पर उसको भी हार्म होगा, एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत लॉजिकल और सीरियस मैटर है। अब मसला ये है कि इसको आप क्रिमिनल तरीके से डील नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको क्रिमिनल तरीके से डील करेंगे तो वो जो सारा कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस हो जाए। इसको आपको सिविल तरीके से डील करना है। हमारे यहाँ जो सिविल लॉ है डेफिमेशन का, वो आपको, और ये कोई नई बात नहीं, आपको पता है कि जो सिविल मैटर्स हैं पाकिस्तान में उनमें सालों लगते हैं फैसले होने में, अगर फैसला कभी हो। तो ये जो चीज है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिविल लॉज, स्पेसिफिकली सिविल डेफिमेशन लॉ, इस पे गवर्नमेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा। हमें नए लॉज की जरूरत नहीं है, हमें नई जो साइबर क्राइम्स एजेंसीज या डिजिटल राइट्स अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जरूरत हमें नहीं है। हमें ये जो सारा फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से किसी चीज़ की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत यह है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज मौजूद हैं, सिविल लॉज स्पेसिफिकली, उनको एम्पावर किया जाए, और जो मिनल्ला साहब ने कहा था उसकी डिसीजन पे जो गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर गौर करे, तो ये जो सारी लेजिस्लेशन की कोशिश कर रही है, आपको नजर आएगा कि इस, ये नल एंड वॉइड हो जाएगी एसेंशियली। बिल्कुल आपने बचा फरमाया। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करने की बात की, जो कि काम अवाम में होनी चाहिए। उस लिहाज से हमने वाकई आज तक कोई कैंपेन ऐसी गवर्नमेंट लेवल पर नहीं देखी जो कि होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कैंपेन लॉन्च की जाती है तो आपके ख्याल में वो टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, जो कि आपके ख्याल में कोई परसेप्शन बनाने में या फिर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन की एक्टिविटीज़ में जो एज ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है, किसको टारगेट करना चाहिए और कैसे वो कैंपेन चलनी चाहिए आपके ख्याल में? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आई मस्ट से कि ये सवाल मुझसे अभी तक किसी ने नहीं किया टेलीविजन पे। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, पहली दफ़ा जो गवर्नमेंट के जो कैंपेन की थी मिस इन्फॉर्मेशन पे नेशनल लेवल पे फेसबुक के साथ मिलके, वो मेरे इदारे ने की थी 2018 में इलेक्शन से पहले। उसके बाद मुझे कोई कैंपेन नज़र नहीं आई। अच्छा, 2018 से अब तक के डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं। अब जो नए लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ये वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि नेक्स्ट बिलियन इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, ये वो लोग हैं जो पहले शायद इंटरनेट अफोर्ड नहीं करते थे या मोबाइल डिवाइसेस अफोर्ड नहीं करते थे, और अब बिकॉज ऑफ द फैक्ट के इन्फ्लक्स है नए डिवाइसेस का, सस्ते डिवाइसेस का, तो वो अब कनेक्ट कर रहे हैं। और ये ऑल्सो वो वाले लोग हैं ज़्यादा जो कि शायद जिनके लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादा लिखने से बेहतर प्रेफर करते हैं कि वो वीडियोस बनाएं, जिस तरह टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक पे वीडियोस बनाएं। तो मुझे लगता है कि ये वो डायनेमिक है, ये वो डेमोग्राफी है जो कि सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है, अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एट रिस्क लोग हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन से गिर सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है, नए नए ज्वाइन किए हैं, डिजिटल लिटरेसी भी कम है, और जनरली आइडिया भी और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, वो करना चाहिए वो डेमोग्राफी को जो कि टिकटॉक से और इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरे लेवल पे फोकस उनको करना चाहिए उन जगहों को या उन ज्योग्राफीज को जहाँ पे एजुकेशन का लेवल कम है, जहाँ पे हमें नजर आता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जहाँ पे फॉल्ट लाइन ज्यादा है, जो कि ज्यादा ससेप्टेबल है वायलेंस से, या यू गेट माई पॉइंट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आखिर में हमें आना चाहिए अर्बन सेंटर्स पे, क्योंकि देखिए अर्बन सेंटर्स में चाहे जो मर्जी हो, एजुकेशन लिटरेसी जनरली बेहतर होती है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम उन एरियाज में है जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल है और ज़्यादा एट रिस्क है फॉर मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन नेचुरली जब ये कैंपेन डिज़ाइन करेगी गवर्नमेंट, और अगर वो करते हैं, तो उनको एक नेशनल लेवल कैंपेन डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ये स्मॉल पॉकेट्स में चलने वाला काम नहीं है, ये एक नेशनल लेवल काम होगा, इंटरवेंशन होगी, और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि तमाम मीडिया के इदारों को साथ मिला के चलना होगा। इसमें मीडिया के इदारों के बगैर या ब्रॉडकास्टर्स ब्रॉडकास्ट हाउसेस के बगैर ये काम नहीं हो सकेगा।
So national level campaign through mainstream media, through vernacular media, through radio and through other means such as online platforms जिनकी मैंने बात की, ये सब कुछ मिला के करना पड़ेगा। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी बड़ी इंटरवेंशन है, लेकिन यही हल है मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, यही हल है अपनी आवाम। बिल्कुल आपने सही कहा असद, लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन करें अपना अपने नेबर कंट्री से, तो वो लोग आईटी इंडस्ट्री में हमसे कई गुना आगे हैं। उनकी तो एक्सपोर्ट्स ही बहुत ज़्यादा हैं हम लोगों के निस्बत आईटी की अगर बात की जाए। तो वो लोग जिस तरीके से रेगुलराइज़ कर रहे हैं ये सारा सोशल मीडिया, और जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, क्या वजह है कि हम लोग उस तरीके से कर नहीं पा रहे, या फिर क्या हिकअप्स हैं, हर्डल्स क्या हैं जो कि नहीं हम लोग मतलब है कि इस चीज़ को उतना सीरियस ले रहे, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ी डेंजरस हो सकती है आगे आने वाले वक्त में। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कौन सी रेगुलराइजेशन की बात कर रही हैं आप? डेटा प्रोटेक्शन या डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रही हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ, एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव है ना एक भारत के हवाले से, कि ये लोग आईटी इंडस्ट्री में हम लोगों से कई गुना आगे हैं। जी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है, जनरली आपने बिल्कुल सही बात की कि वो इन टर्म्स ऑफ प्रोलिफरेशन वो बहुत ज़्यादा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया को अच्छी एग्जांपल नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग फॉलो करने के लिए, अगर आप डिजिटल यू नो एक्सप्रेशन की या प्लेटफॉर्म्स की बात करें। और नंबर एक, नंबर दो ये कि जिस तरीके से जनरली उन्होंने सोशल मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की है या हैंडल करने की कोशिश की है, वो बहुत ख़राब है और वो बहुत गलत है। सो मैं कतन इंडिया की कहीं पे भी एग्जांपल नहीं दूंगा और ना ही ये कहूंगा कि वो कोई अच्छी एग्जांपल है, लेकिन वो शायद इस वजह से ये काम कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। आप वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप चूंकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं तो जाहिर है आपको जो फैक्ट्स पता होंगे वो शायद एक कॉमन बंदे को उस तरीके से ना पता हो, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है मुझे तो यही पता है कि गूगल, ट्विटर, इस पर जितनी मैनेजमेंट है उनमें सब में इंडियंस हैं जो कि बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। देखिए आप वो फर्क बात करिए, मैं बात ही कर रहा था कि अपने मुल्क में उन्होंने किस तरह से लोकलाइजेशन करने की कोशिश की। मैंने डिफरेंट बात की है, बिल्कुल आप ये दो डिफरेंट बातें हैं। जी आपको याद होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने ट्विटर के सीईओ पे एफआईआर करवाई थी और ये वो सारा उन्होंने तमाशा किया था, वो पूरा एक हंगामा हुआ था वहां पे। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप जो बात कर रही हैं वो मेरे ख्याल से प्रोलिफरेशन की बात कर रही हैं और टेक्नोलॉजीज की बात। बिल्कुल मैं वही बात टेक्नोलॉजीज की बात कर रही हूं, फिर मैं उस दूसरी तरफ आता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये कि उनकी मार्केट क्योंकि इतनी बड़ी है तो शायद वो इस ये काम करके भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं। मसलन टिकटॉक नहीं चलता इंडिया में, टिकटॉक बैन किया हुआ उन्होंने, तो लेकिन देन अगेन उनकी मार्केट क्योंकि बड़ी है और जनरली उनकी डिजिटल इकोनॉमी हमसे काफ़ी यू नो बिकॉज बड़ा मुल्क है, तो वो हमारे से हमारी एग्जांपल उनसे मैच नहीं करती। हमारी एग्जांपल ज़्यादा मैच करती है बांग्लादेश के साथ, फॉर इंस्टेंस, राइट? सो जिस तरह से बांग्लादेश ने अपनी डिजिटल इकोनॉमी को इम्प्रूव किया। अच्छा आप पूछ रही हैं कि जो टेक्नोलॉजी में इंडियंस आगे हैं और इन टर्म्स ऑफ ये कि डिजिटल यू नो प्लेटफॉर्म्स पे और इदारों में कंपनीज में उनके सीईओज हैं, अच्छा ऑब्वियसली हैं बिकॉज बड़ी मार्केट है, एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया है और फिर सबसे ज़्यादा ये कि उन्होंने डिजिटल वर्कफोर्स बनाने पे फोकस किया है। मुझे लगता है कि हमें अब वो टाइम आ गया है, बल्कि वो काफ़ी पहले आ गया था हमारे यहाँ तो, कि जब हम वो डिजिटल वर्कफोर्स बनाने की कोशिश करें हमें बजाय इसके, और ये देखें ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब करने जा रहा हूँ, बजाय इसके कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो फोकस करें ऑन लेजिस्लेशंस इंटरनेट फियर की बेसिस पे। हमारी जो लेजिस्लेशंस आ रही हैं इंटरनेट पे उसका सिर्फ एक आप समझे कि उसका एक एंकर है और वो है डर। डर इस चीज से कि हमारे बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कोई बात ना कर दे ऑनलाइन, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी यू नो आपको कोई परवाह नहीं करता कि आपके बारे में कोई क्या बात कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया से डर या इंटरनेट से डर के उसके बारे में लेजिस्लेशन करें, आपको चाहिए कि आप इंटरनेट को एज अ टूल इस्तेमाल करें, एज अ मींस, एज अ मीडियम इस्तेमाल करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें अपने यू नो अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज यही हमारे पास एक हल है। Exactly. डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए अपने 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 जो इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, डिजिटल वर्क फोर्स बनाना, डिजिटल स्टार्टअप्स को जो है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वर्कफोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तब हम भी वो वक्त देखेंगे जो कि जब इस तरह के बड़े इदारों पर पाकिस्तानीज भी रूल करेंगे और काम कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने बड़े अच्छे से साइजली और बड़ा टू द पॉइंट हम लोगों को ये सारी जो गेम है ये समझाई है जो सोशल मीडिया पर चल रही है, लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें और गवर्नमेंट लेवल पर क्या क्या होना चाहिए उसका सोल्यूशन आपने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा जी, अब हमें आगे बढ़ना है और कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो
हसीन यादगार बन जाते हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कैसे होनहार नौजवान से जिन्होंने इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर में पहली पोजीशन अपने नाम की है और दानिश स्कूल से वाबस्ता हैं आयान काशिफ, जिनको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मदू किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनसे मुलाकात की, उनकी आला कारकर्दगी पर मेडल भी उन्हें पहनाया। यकीनन ये उनकी ज़िंदगी का यादगार हसीन लम्हा होगा। इस वक्त पोजीशन होल्डर तालिब इल्म आयान काशिफ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच आयान एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड लाहौर में अव्वल पोजीशन हासिल करने पर आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इस कामयाबी के लिए कितनी मेहनत की थी और पोजीशन आने के बाद क्या जज्बात थे? मेरे टोटल मार्क्स आए 1190 out of 1200 और जब मेरे पे ये न्यूज़ पता चली तो आई कैन एक्सप्रेस दैट मोमेंट, आई वाज सो हैप्पी। और ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट, मेरे टीचर्स के लिए भी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, और ये एक यादगार थी। अच्छा, आपकी हौसला अफजाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने भी आपसे मुलाकात की, आप फैमिली के हमरा गए थे, मैंने देखा था, तो बातें तो बहुत सारी हुई थी, कुछ अपनी ज़बानी बताइएगा उस मुलाकात का अहवाल। बिल्कुल, ये जो अचीवमेंट है इसने मुझे और मोटिवेशन दिया कि आगे मैं और मेहनत करूँ और आगे भी इस तरह इसको मेनटेन करूँ, क्योंकि मैंने अचीव कर लिया और मेरे पे एक मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे अपनी इस पोजिशन को मेंटेन करना ताकि आगे मैं फर्दर कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा अब अयान, आप खुद दानिश स्कूल से वाबस्ता हैं जिसका मकसद ही गरीब और मुस्तहिक होनहार तालिबे इल्मों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना है ताकि वो भी मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को संवारने में अपना किरदार अदा कर सकें, तो वहाँ तालिबे इल्मों को कौन कौन से ऐसी सहूलियात मैसर हैं, मज़ीद कौन सी बेहतरी लाई जाए जिससे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुतवज्जे हों वहाँ आने का सोचें? आई थिंक ये जो मेरी पोजीशन है इसमें दानिश स्कूल्स का बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को एक परफेक्ट इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। हमारा जो स्टाफ है, सारे जो टीचर्स हैं, वो एक हर स्टूडेंट के अपने मेंटल कैलिबर के हिसाब से उसको डील करते हैं, उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, और जो हमारा यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट का जो प्रोसीजर है वो भी अप टू द मार्क है। और यहाँ पर आपको टीचर्स की 24/7 अवेलेबिलिटी है, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास लाइब्रेरीज, लेबॉरटरीज और 24/7 डिस्पेंसरी की भी फैसिलिटी मौजूद है स्टूडेंट्स के पास, तो उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ साथ हमारे पास स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज हैं, हमारे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जा सके कि वो स्पोर्ट्स में भी साथ साथ पार्टिसिपेट, और साथ साथ स्टडी और स्पोर्ट्स के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन किया गया ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेट डीमोटिवेट। अच्छा अयान, अब आपको पोजीशन लेने के बाद मजीद, अब आप तो भाई फेमस हो गए हैं, थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड तो बताएं कि आपके दीगर बहन भाई भी दानिश स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, कौन कौन शामिल है बहन भाइयों में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरे फादर, जब मैं छोटा था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैंने दानिश स्कूल में एडमिशन लिया और फिर मेरी यहाँ पर सिलेक्शन हुई और तब से फिर मैं यहाँ पर ही हूँ। और जो स्ट्रेटजी वही है, जो हमारे टीचर्स हैं वो फुल कोशिश करते हैं कि बच्चे का पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और उसके बाद उसको फर्दर वो एलैबोरेट करते हैं और डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं ताकि बच्चा जो हमारे पास जो टॉपिक है उसको कम्प्लीटली तौर पर समझ सके और वो कॉम्प्रिहेंसिव समझाने की कोशिश करते हैं और हमें टोटल गाइड करते हैं हमारे जो टीचर। अच्छा अयान, इंटर के इम्तिहानात में पोजीशन तो आपने हासिल कर ली, अब आगे आपके प्लान्स क्या है, कौन सी फील्ड में आपने पढ़ाई मजीद करने का सोचा है? मैंने आईटी की फील्ड में आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा गोल है और इंशाल्लाह मैं आगे इसी को कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए भी दरख्वास्त की है, तो उसके जवाब में उन्होंने फिर क्या कहा और आपको ये ख्याल कैसे आया? मैंने दरख्वास्त की थी कि जो दानिश स्कूल्स हैं इनको अभी तो जैसे आपको पता है स्कूल लेवल पे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रमोट करें ताकि स्टूडेंट्स के लिए फर्दर उनके लिए रिलीफ आ जाए और वो अपनी थ्रू आउट द स्टडीज जर्नी वो यहाँ पर दानिश स्कूल में कर सकें और इससे आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत मजीद फ़ायदा होगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे कहा इस पर बात करें आगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वो स्टेप भी लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अयान, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम आपके सामने है, प्राइवेट कॉलेजेस की भरमार है, तो हमें ये बताएंगे कि क्या पैगाम आप देना चाहेंगे वालिदैन को, किस तरह हमें सरकारी स्कूल्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद उसकी मिसाल हैं।
पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि अपने जो चिल्ड्रन है उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, और अगर आपके जो बच्चे हैं उनके मार्क्स कम आया तो उनको डीमोटिवेट ना करें, उनको इनक्रेज करें कि आप उनकी हौसला अफजाई करें कि अगली बार आपने अपना बेस्ट देना है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अपना बेस्ट दें और बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, बाकी रिजल्ट अल्लाह के पास है और इंशाल्लाह वो आपके वेस्ट नहीं करता, और जितना आप अपना बेस्ट देंगे 100% आप अपना दें और रिजल्ट बाकी अल्लाह। खूबसूरत बात आपने की है, बहुत खूबसूरत बात की। आखिर में मुझे ये बताएगा कि दानिश स्कूल्स की बात अगर मैं करूँ तो वज़ीर आज़म की जानिब से पंजाब के दीगर अब शहरों में भी ब्रांचेस खोलने का ऐलान सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी दानिश स्कूल्स के लिए काफ़ी सरगर्म है। पंजाब हुकूमत को क्या पैगाम आप देंगे, इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए? सीएम पंजाब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जैसे अभी दानिश स्कूल्स पंजाब में जैसे हैं, इस तरह थ्रू आउट पाकिस्तान ऑल प्रोविंसेस में अगर खोल दिया जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन टैलेंट है, वो टैलेंट उभर के आ सके और वो अपने मुल्क पाकिस्तान की दिलो जान से खिदमत कर सके। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पंजाब की तरह दूसरे प्रोविंसेस में भी दानिश स्कूल्स को प्रमोट किया जाए। बहुत शुक्रिया यान काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहें और मज़ीद तरक्की करें, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आप जैसे जो बच्चे हैं वो मोटिवेशन है दीगर बच्चों के लिए। अब जनाब, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हुआ है मैं आवाम का रद्दअमल ज़रूर जानूंगी। तो इस वक्त लाहौर से हमें अफजाल ने ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं कि लोग आज जब सुबह उठे हैं और जब पता चला है कि 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है तो उनके तासुरात क्या थे? अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर शहरी जो हैं वो सख्त नाला हैं और शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, क्या कहेंगे आप? यही कि प्यारे हो वेखो कि 10 बत्ती कितनी सस्ती हो रही, ट्रेन बत्ती तो चल रही है, 10 रुपये फिर पेट्रोल बढ़ गया है, घटाना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? ट्रेन इन्नी कि सस्ती, बत्ती इन्नी सस्ती क्यों हैगी है कि ट्रेन चल रही है, 10 रुपये बत्ती आवाम कितनी आवाम पागल हैगी है, 10 रुपये घटा दो हूँ कि नहीं, सारी 5 रुपये बताओ। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उनको फौरी तौर पर वापस ले ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफजाल, हुकूमत को चाहिए तो कि रिलीफ दे आवाम को, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अभी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कीप वॉचिंग अस। ये दर्द करबला का है कि खौफ बस खुदा का है, शहीद करबला दम कदम पे जलाओ दिए बना कदम कदम पे जलाओ दिए बना में हुसैन, सुना रही है ये करबो बला पया में हुसैन, उसूल दीन के लिए सर कटा दिया है मगर, उसूल दीन के लिए सर कटा दिया है मगर, झुका न ज़ुल्म के आगे सरे इमामे हुसैन, हुसैन मिन्नता कलमा रसूल अकरम का, हुसैन मिन्नता कलमा रसूल अकरम का है, पंजतन में फजीलत बड़ा
मकाम हुसैन हर एक दौर में जबी बढ़ा है जुल्म सितम हर एक दौर में जबी बढ़ा है जुल्म सितम मिला है दीन खुदा को फकत दवा में हुसैन वो खुतबा देते थे रोकर हुसैन इब्ने अली वो खुतबा देते थे रोकर हुसैन इब्ने अली सिना की नोक पे जारी रहा कलाम हुसैन सदा वो आज भी हल में की आ रही है सही सदा वो आज भी हल में की आ रही कदम बढ़ाओ चलो कर बला गुलाम हुसैन कदम कदम पे जलाओ दिए बना बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब आपने जिस तरह से ये पेश किया है ये हदिया और जो सोज आपकी आवाज़ में था मतलब ये ज़िक्र हुसैन एक ऐसा अमल है मेरा ख्याल है कि जितना किया जाए ये कम है जो तस्कीन इससे मिलती है वो लाजवाब है और अपने नाना के दीन को बचाने के लिए जो कुर्बानी हुसैन ने दी वो बेमिसाल है उस पर जितनी बात की जाए कम है उसके पीछे जो फ़लसफ़ा है जो नज़रिया है उस पर आज हमने बात करनी है जिसके लिए महफिल हमने सजाई है और ये अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा है कि कुछ ना कुछ मैं भी अपनी तरफ से हदिया करूं तो ये बड़ा मेरे दिल के करीब है कि आया ना होगा इस तरह हुस्न शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका कतराए आप के बगैर इतने गुलाब रेत पर इश्क में क्या बजाइए इश्क में क्या लुटाइए आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर प्यासा हुसैन को कहूँ इतनी तो बेअदब नहीं लमसे लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर तो ये वो अजीम कुर्बानी है जिसकी बात हमें बार बार करनी और रहती दुनिया तक करनी है और इसी जिक्र के लिए जो मेरे साथ शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ अलामा सैयद सज्जाद शबीर रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं जो कि मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं ज़हीर अब्बास नकवी साहब जो कि शायर भी हैं नुहा ख्वां भी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी यहीं पर तशरीफ़ फरमाएँ तो आप सभी हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ अच्छा इसमें जो सबसे पहली बात मैं आपसे मुफ्ती साहब शहरियार साहब जो आपसे करना चाह रही हूँ कि एक शेर जो कि अक्सर हम सुनते भी हैं हम पढ़ते भी हैं कि अब ना कभी हक़ व बातिल में राबता होगा हुसैन इब्ने अली जो दरमियाँ से गुजरे हैं ये जो तफरीक है हक़ और बातिल पर मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा सा इस फ़लसफ़े पर रोशनी डालिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन
हक और बातिल की जो जंग है ना वो तो अजल से है अब तक रहेगी, और ये जंगें मुख्तलिफ अवकात में होती रही हैं, मुख्तलिफ अदवार में होती रही हैं, और इन जंगों के बाद जो रिजल्ट्स आए वो हमेशा यही आए कि फतह हमेशा हक की हुई है और बातिल यकीनन मुंह की खाकर पीछे हटा है। लेकिन वो जंगें होती रही हैं। करबला जो वाकया है वो जंग नहीं है, जंग असल में दो अफवाज के दरमियान होती है, बैटल होती है, ठीक है ना। इधर 30,000 या 40,000 या अगली बात मतलब कि 80,000 1,00,000 की अफवाज थी, और इधर 72 नफूस-ए-कुदसिया। तो ये 72 नफूस-ए-कुदसिया इतनी बड़ी तादाद की फ़ौज का मुकाबला कर सकते थे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इसको जंग कहना ये यकीनन बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चूंकि हुसैन गुजर गए, अब हक और बातिल में एक लाइन आ गई, तफरीक आ गई कि भाई ये हक है और ये बातिल है। अच्छा, हक और बातिल की जब भी डायलॉग होगा या जंग होगी या कुछ भी आर्ग्यूमेंट होगा ना, उसके अंदर फतह यकीनन हक की होगी, बट उस फतह हासिल करने के लिए ना बहुत सेक्रीफाइस चाहिए, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आज के दौर से अगर करूं कि हमारे दौर में भी हक और बातिल की जंग चल रही है, चल रही है, बिल्कुल चल रही है। बट एक बात बड़ी खूबसूरत मैंने सुनी थी, देखी थी और बड़ी दिल को लगी थी, वो ये है कि अगर आज के दौर में मुझ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सोसाइटी, आई एम टॉकिंग क्योंकि इंडिविजुअल मिक्स सोसाइटी, मैं एज ए फर्द, अगर मैं आज के दौर के यजीद के खिलाफ या उसको मैं अगर टफ टाइम नहीं दूंगा, उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता, उसकी गलतियों के खिलाफ अगर मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करता, देन आई हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू से अगेंस्ट द यजीद ऑफ 61 हिजरी। 61 हिजरी के यजीद के खिलाफ बात करने का मेरा राइट नहीं बनता जब तक कि मैं आज के दौर के यजीद के खिलाफ बात ना करूं। नहीं, देखिए वो जो सारा वाकया पेश आया, वो जो दास्तान रकम हुई, वो वक्ती नहीं थी, वो आगे आने वाले वक्त के लिए थी। उसी तरफ आ रहा हूं। ये हम मतलब ये जुड़ी हुई है ना, ये जुड़ी हुई है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो दर्स या जो फिलोसफी उन्होंने दी, उन्होंने यही बताया कि देखो जब तुम हक पर आओगे ना तो सबसे पहले जान का खतरा होगा, जान का खतरा, माल तो जाएगा, औलाद भी जाएगी, रिश्तेदार भी चले जाएंगे, सब साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अजीज चीज होती है ना इंसान की, जान होती है। इंसान अपनी जान के लिए फिर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी जान बचाता है, फिर कहता है यार जान बचाने के लिए तो वक्ती तौर पर शरीयत ने हराम खाने की भी इतनी इजाज़त दी है कि इतनी ताकत हासिल कर लो कि जो है ना हलाल चीज़ तक पहुंच जाओ। लेकिन जब आएगी बात हक की और बातिल की सरबुलंदी के लिए, तो फिर हक की सरबुलंदी के लिए फिर ये जो शरीयत ने आपको दिया है ना, यानी दो चीज़ें हैं, एक है रुख्सत और एक अजीमत। रुख्सत ये थी बैत कर लेते, कोई शक नहीं है हक पे खड़ा होना ही तो मुश्किल काम है, बैत कर लेते, रुख्सत हासिल हो जाती, मदीने बैठते, बड़ी जबरदस्त गद्दी बन जाती और आपकी वाह हो जाती। लेकिन आपने कहा मैंने, इन्होंने मुझसे अमारत तो ले ली है लेकिन मैं इमामत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अच्छा, जब जहां हम वाकई करबला का लामा साहब जिक्र करते हैं तो वहां पर हम बारहा, हम लोगों ने इस पर रोशनी भी डाली है, इस फलसफे पर बात भी की है कि एक वो वक्त आया कि जब इमाम हुसैन की तरफ से कहा गया कि है कोई जो मेरी मदद को आए, हालांकि वो इस चीज़ से वाकिफ थे कि यहाँ पर कोई नहीं ऐसा जो कि उनकी मदद के लिए आएगा, लेकिन मुझे खुजत उन्होंने तमाम की, वो ज़ाहिर है वो टेम्प्रेरी उस वक्त उस सूरत हाल के लिए नहीं थी, वो ज़ाहिर है आगे आने वाले वक्त में तमाम मुसलमानों के लिए एक मैसेज था उसके अंदर, तो वो खुजत किस किस के लिए थी, मैं थोड़ा सा चाहूँगी इस पर रोशनी डालिए। रज़न बेक़ज़ा तस्लीमन लअम्र क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 9 मुहर्रम है, बारगाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में ताज़ियत पेश करता हूँ। बहुत ही अच्छा और असर हाज़िर का आपने सवाल किया कि इमाम हुसैन का ये कहना कि हल मिन नासन यंसुरना,
है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। तो मदद तो उस वक्त मांगते कि जब 72 नफूस साथ थे, मगर इमाम हुसैन ये इस्तगासा असर आशूर कर रहे हैं जब जख्मों से चूर हैं। आखिर इस हल मिन नास यंसुरना में क्या चीज़ है? ये आवाज़ आज भी मज़लूम के कानों में गूंज रही है कि है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। आप फलस्तीन ये में एक जी ये एक ऐसा फ़लसफ़ा दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़यामत तक ज़ालिम के मुंह पे तमाचा है, और मज़लूम के लिए ये एक ऐसा इस्तगासा है कि दुनिया में जब कभी जुल्म को देखो तो खामोश न रहना, घर लुटा देना, जान दे देना, औलाद कुर्बान कर देना, असहाब कुर्बान कर देना, मगर याद रखो हल मिन नास यंसुरना की सदा के बाद क़यामत तक ये फैसला हो जाएगा कि ये मत देखो कि किसने मारा, किसका मारा गया, किसका घर लूटा, किसने लूटा, किसने तलवार चलाई, किसने तलवार खाई, किसका खैमा जला, किसने जलाया। ये देखना कि असर आशूर के बाद अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आ रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आ रही है, तो दुनिया रहती दुनिया तक समझ जाना कि हुसैन भी जीते, हुसैन का नज़रिया भी जीत गया, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा असर हाजिर का यजीद भी मुर्दाबाद है। क़यामत तक हुसैन ने ऐसा नज़रिया दिया कि दुनिया की सारे जंगें इंसान ने फरामोश कर दी। हुसैन का जिक्र रोज़ बरोज़ इंसान को, जहाँ आपने फ़लस्तीन की बात की, जहाँ आपने कश्मीर की बात की, जहाँ जहाँ जुल्म होगा दुनिया को हुसैन की ज़रूरत पड़ेगी। हुसैन मज़लूम के लिए एक ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार है, ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार है कि ये वो हुसैन है जिसके लिए कभी नाना सवारी बने, जिन जुल्फों की कसम कुरान ने खाई है वो हाथों में ली, नाना के पुश्त पे सवार हो जाएं तो नाना सजदे को तूल दे दें, मगर नहीं पहचाना तो उस अशकिया ने नहीं पहचाना हुसैन को कि हुसैन कौन। आज ज़रूरत इसकी बात की है कि हम यहाँ जो जमा हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, उस फलसफे को याद करें जो इमाम हुसैन का था। इमाम हुसैन का फलसफा ये था कि हुसैन ये तेरा अनी पर सर नहीं, तेरी अना का ताज है, करबला तेरे निज़ाम फ़िक्र की मेराज है। हुसैन ने ये साबित किया कि हुसैन का सर तन से तो जुदा कर सकते हो, मगर हुसैन को कुरान से जुदा नहीं कर नहीं कर सकते। बिल्कुल सूरह कैफ की तलावत करके नोके नेजा पर इमाम हुसैन ने दुनिया को बताया है कि क़यामत तक यजीद का नाम गाली बन जाएगा, मेरा नाम दुनिया के लिए शिफा होगी। बेशक इसमें कोई शक नहीं। अच्छा अभी जैसा कि आपने अशकिया की बात की, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि कूफा के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था उस पर बात की जाए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी ज़हीर साहब अगर आप कुछ थोड़ा सा और पहले हदिया करें, फिर उसके बाद मैं सूरह मुनाफिकून की लाजमी तौर पर बात करना चाहूँगी और उसका कुछ कंपैरिजन हम हालात हाजरा से करेंगे कि आज भी मुसलमान वो हैं कि जिनके मुँह में कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़हीर साहब आप कुछ अभी आप लोग तस्करा कर रहे थे हल मिन नासिर यंसुरना, तो वो मंज़र जो क़यामत का मंज़र था करबला में, जो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, तो उस वक्त की चंद मिसरे पेश करूँगा। अकबर की जुदाई ना सह पाई नजर मेरी, गाजी के बिछड़ने से है टूटी कमर मेरी। अकबर की जुदाई ना सह पाई नजर मेरी, गाजी के बिछड़ने से है टूटी कमर मेरी। मक्तल में खड़ा हूँ मैं तन्हाई के आलम में,
कोई न रहा मेरा, मरता हूँ इसी गम में। अब होती है अशकों में हर सांस बसर मेरी, गाजी के बिछड़ने से है टूटी कमर मेरी। खूने अली असगर है इस प्यास के दरिया में, दफनाया उसे मैंने जलते हुए सहरा में। नन्नी सी लहद में है तस्वीर पिदर मेरी, गाजी के बिछड़ने से है टूटी कमर मेरी। जो आंखों की ठंडक था अकबर ना रहा मेरा, हम शक्ले मोहम्मद वो दिल बर ना रहा मेरा। बरछी है कलेजे में और जाने पिसर मेरी, गाजी के बिछड़ने से है टूटी कमर मेरी। आगोश में मादर की मैं सोने चला प्यासा, माँ देखेगी हाय कैसे तीरों पे मेरा लाशा। खंजर वो चलाता है गर्दन पे शिमर मेरी, गाजी के बिछड़ने से है टूटी कमर मेरी, गाजी के बिछड़ने से है टूटी कमर मेरी। क्या वफा निभाई इमाम हुसैन से हज़रत अब्बास से अलमदार ने, बड़े अच्छे अंदाज़ में आपने इसको हदिया किया है। और मैं इससे पहले चूँकि बात कर रही थी सूरह मुनाफिकून की, तो मेरा अलामा साहब आपसे ये सवाल है, वो कहा जाता है ना कि ज़ुबान से जो कह दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा मैं कूफे के जो लोग थे मैं उनकी थोड़ी सी बात करूंगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन आज के हालात हाजरा से किया जाए तो लोग तो अब भी वही हैं कि दिल में कुछ होता है और ज़ुबान पर कुछ होता है। और इसी सारी सूरत हाल पर आपने देखा था कि सूरह मुनाफिकून भी नाजिल हुई और बताया गया इन लोगों के बारे में। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम पर नाजिल करदा अल्लाह पाक का पाक कलाम कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमे का मफहूम अर्ज करता हूँ कि तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। मुनाफ़िक़त की एक बड़ी ये भी निशानी है कि तुम वो बातें करते हो जो तुम खुद नहीं करते। बस इसको अगर हम एक अपना स्लोगन बनाएं और इसको मेयार बनाएं, कसौटी बनाएं, और हर एक मैं समेत हम हर एक अपना अपना मवाजना करें। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई जब ये सूरह मुनाफ़िकून नाजिल हुई थी तो क्या वजह हुई थी, उसके अंदर ये भी था कि मुसलमानों में आपस में जब कुछ तनाज़ा हुआ मुहाजरीन में और अंसार में, तो हुज़ूर ने फरमाया अभी तुम अभी से वही जालियत वाली बातें दोबारा करने लग गए हो, छोड़ा नहीं है तुमने पूरा पूरा अभी तक जहालत को। बहरहाल मुसलमानों में सुलह तो हो गई, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई ने बकवास की कुछ और कहा कि कैसे लोग हैं, हमें अपने साथ जंगों पे ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बहरहाल उसकी एक बड़ी तवील है। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम जो उस वक्त बच्चे थे ना छोटे, तो उन्होंने ये सुनी तो जाकर हुज़ूर से शिकायत की, यार सुल्ला इस तरह। हुज़ूर ने फरमाया तुम बच्चे हो, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई हो। कहने लगे नहीं, मुझे पक्का पता है अब्दुल्ला बिन उबई, चूँकि वो सरदार था कबीले का, अब्दुल्ला बिन उबई था मुनाफिक, ये साथ में इसलिए आया था इस जंग में कि इसने कहा कि चलो कुछ माल मिलेगा, इसमें भी माल गनीमत मिला करता है ना। और जब देखा मुसलमानों को फतह भी हो गई है, माल गनीमत भी आ गया है, और मुसलमानों में इसने कहा चलो ये झगड़ा हुआ इसका फ़ायदा उठाऊँ। मुनाफिक की एक निशानी ये भी होती है, ज़रा सी कोई तनाज़ा हो जाए ना दो भाइयों में तो वो उसको आग की तरह भड़काता है, तेल डालता है। और
تو اس لیے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو ظلم سے روکو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ظالم کو تو روکنا سمجھ میں آتا ہے, مظلوم کیسے ظلم کرتا ہے؟ فرمایا جو مظلوم اپنے اوپر ظلم سہتا ہے یہ بھی ظلم ہے. یہ آج جو ہمیں کیا ہو گیا, آئیں نا ذرا ادھر اب کمپیئر کریں. اس وقت پھر حضور نے بلا کے اسے پوچھا بھائی تم نے یہ کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کب کہا, اور قسم کھا لی اس نے. تو پتہ چلا منافق کی ایک عادت ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. آج میں چونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے, میں دیکھوں کیا میں جھوٹی قسم کھاتا ہوں, میرے اوپر والے جھوٹی قسم کھاتے ہیں, میرے حکمران جھوٹی قسم کھاتے ہیں. ہمیں تو کہا گیا جو خود کے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. ہم اچھی چیز اپنے لیے رکھتے ہیں, دوسرے کو وہ دیں گے جو ہمیں نہیں پسند ہوگی. تو یہ جو ظالم کو فرمایا نا کہ اس کا ہاتھ بھی روکو اور مظلوم کا ہاتھ بھی روکو, کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی اس ظالم کے اوپر آ کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جائے. آج دیکھیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے, برداشت کر رہے ہیں. نہ ہی کرنا نہ, میں کہہ رہا ہوں جی میں بیٹھا ہوں, سوری ٹو سے, مجھے نہیں پتا آپ کی پالیسی کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی ہو بل آ گیا ہے 50,000 کا, یہ کیسے بھروں گا, اتنا بل ہے, اتنا ٹیکسیز ہے, اتنے یہ ہیں, اتنے وہ ہیں. تف ہے میری لائف پر, تف ہے میری زندگی پر, کہ جو میں یہ دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کیسے بھروں گا. میں یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کیوں بھروں, میں ان کی عیاشیوں کے لیے یہ بے جا ٹیکسیز کیوں دوں. دے آر لائبل ٹو آنسر می. یہ میرے اگر حکمران ہیں تو میرے نبی نے فرمایا حکمران تو خادم ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی ہمارے حکمران کیوں بڑی بڑی عیاشیوں میں پڑے ہوئے, پروٹوکول 20-20 گاڑیوں کا, میرے پیسوں سے, میرے ٹیکس سے, زبردستی لیے گئے ٹیکس سے, آپ اپنی زندگیوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہو. مجھے نہیں سمجھ میں آتا اتنا بڑا آپ ہمارا سربراہ کر کے, ہم سوری ٹو سے, ہمارا سربراہ کر کے کہتا ہے جی مبارک ہو ہمیں سود پر مبنی آئی ایم ایف کا قرضہ مل گیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. تم آج کے دور میں اگر ہم اس طرح کے ظلم برداشت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو وی آر کوفیز. ہم وہی منافقین کا ٹولہ ہیں کہ جو حق بات کرنے میں ڈرتے ہیں, یار میں اٹھا نہ لیا جاؤں, یار میرا کچھ ہو نہ جائے. ہونا دیکھو مومن موت الموت تو فت المومن. حضور نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. موت دیکھو نا صحابہ کرام امام حسین کیسے چلے گئے, بچے چلے گئے, اور خواتین چلی گئیں. پتہ تھا ہم نے بالآخر ہمارے کو انہوں نے شہید کر دینا, مار دینا, ہمارے خیمے جلا دینا, ہمیں رضائیں اتار دیں. نہیں, صرف حق کی خاطر جان کی پرواہ نہیں کی. اللہ نے جو کہا تھا نا میں تم سے آزمائش کروں گا, تمہاری ایمان کا دعویٰ کی آزمائش کروں گا, بھوک سے, خوف سے. بھوک کفر تک لے جاتی ہے, خوف کفر تک لے جاتا ہے. بے شک اللہ ہمیں اس بھوک اور خوف انداز میں آپ نے اس کا موازنہ بھی کیا, اور ظاہر ہے جو اس کے پیچھے فلسفہ مخفی ہے اس کو, جس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس محفل میں بھرپور فائدہ اٹھائیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحبان موجود ہیں, علامہ صاحب موجود ہیں. ابھی پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرنا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ جڑے رہیے دنیا بھولے کے ساتھ. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. شہید کربلا آ جا لال اصغر, آ جا میرے اصغر, آ جا لال اصغر, تجھ کو بلائے مادر, آ جا لال اصغر, آ جا میرے اصغر, آ جا لال اصغر. ایک بار تو صدا دو, مادر بلا رہی ہے, مقتل کی کیا ویرانی لوری سنا رہی ہے. غم سے پکار مضطر, آ جا اے لال اصغر, آ جا میرے اصغر, آ جا
جائے لال اصغر معصوم تیری صورت آنکھوں میں بس گئی ہے خوشبو تمہاری بیٹا سانسوں میں بس گئی ہے جھولا جھولاؤں دل بے آ جا اے لال اصغر آ جا اے میرے اصغر آ جا اے لال اصغر مقتل میں ڈھونڈتی ہوں لاشا تمہارا دل بے تیرے خون میں ہو گیا ہے چہرہ تمہارا دل بے سبحان اللہ نیزے پہ ہے تیرا سر آ جا اے لال اصغر کا بچہ یہ ایک ایسی قربانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ایک ماں اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی اس کا اندازہ ایک ماں ہی لگا سکتی ہے آج چونکہ 9 محرم الحرام ہے تو میں چاہوں گی تھوڑے سا علامہ صاحب آپ بات کیجئے گا کیونکہ آج خیمے میں چراغ گل کیے گئے اور اصحاب سے کہا گیا کہ تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے لیکن جب چراغ پھر سے روشن ہوا تو سبھی وہیں کے وہیں موجود تھے تو جو جذبہ ایک تھا جو محبت تھی ان کے امام حسین سے میں چاہوں گی اس پر تھوڑی سی بات آپ کریں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں پوری رات حسین کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سن رہا تھا امام حسین نے تمام صحابہ کو جمع کیا کہا دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میں نے تمہیں نانا سے جنت دلوا دی اب جس کو جانا ہے جو جہاں چلا جائے جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کربلا کی جنگ نہیں تھی یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے میں انڈورس کر رہا ہوں قبلہ کی بات کو کہا جس کو جہاں چاہنا ہے چلا جائے مگر مورل ایسا تھا آج 9 محرم کو کہ حبش کے رہنے والے ہیں جان 9 محرم کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر رہے تھے کسی نے پوچھا جان یہ کیا کر رہے ہو کہا آج 9 محرم ہے ہو سکتا ہے کل فرزند رسول اشکیا میں گھر جائے تو میں کنکریاں مار کے دشمن کی اپنے امام کا دفاع کر رہا اللہ اکبر وہی جون تھا جو کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں حبش کا رہنے والا ہوں میرا کالا خون ہے آپ نبی کے نواسے ہیں حسین نے گلے سے لگا لیا یعنی یہ مورل تھا صحابہ کا کہا جاؤ جس کو جانا ہے چلے جاؤ اچھا جنت کی بشارت بھی دی جنت دے دی دے دی بلکہ علماء حقہ نے تمام مسالک کے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے سردار تھے جنت دکھا دی جنت دکھا دی مفتی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جنت دکھا دی جنت کے مالک تھے کہا جاؤ نہیں جا رہے اچھا روشنی میں نہیں جا رہے چلو حسین چراغ بجھائے دیتا بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے جاؤ اندھیرا کر دیا میں نے جسے جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب حسین نے چراغ جلایا تو دیکھا سارے صحابہ نے اپنی تلواریں حسین کے قدموں پہ ڈالی ہوئی ہیں کہہ رہے ہیں فرزند رسول 70 دفعہ زندگی ملے 70 جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے مگر اے فرزند رسول یہ جان آپ پر قربان کر دے کیسے جانثار صحابی تھے جس میں 92 برس کے حبیب ابن مظاہر 94 برس کا سعید ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا وہ سعید جب علی اکبر نے کربلا کی زمین پہ تیمم کر کے علی اکبر نے اذان دی اور جیسے ہی دوسری دفعہ اذان دی جناب زینب کے خیمے میں آواز گئی جناب فضا سے کہا کہ بھائی سے کہو یہ اکبر کی آخری اذان ہے ذرا بلند آواز میں اذان کہیں حسین اکبر کے قریب آئے کہا اکبر ذرا بلند آواز میں اذان دینا علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ امام وقت ہیں نا میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کریں کہ یہاں آپ کی ماں بہنیں سنیں مدینے میں میری بہن صغرا سنیں جیسے ہی علی اکبر نے چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہا یہ آواز ہوا کے دوش پہ محلے بنی ہاشم میں پہنچی جناب صغرا نے ایسا کا سہارا پھینکا
کہنے لگیں نانی ام سلمہ میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے آ گیا، ہو گئی کربلا میں نماز۔ سعید کہتا ہے 94 سال کے بوڑھے سعید ہیں، ہمارا سلام ہو سعید۔ وہ کہتے فرزند رسول آپ نماز پڑھیں، میں تیروں کو جھیلوں گا۔ ہاں ضرورت ہے امت مسلمہ ان کردار کو سمجھے، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سعید تیروں کو جھیل لیں۔ جیسے ہی امام حسین نے نماز تمام کی، سعید زمین پہ گرے، حسین نے سعید کا سر زانو پہ رکھا۔ میں کہوں گا سعید کتنے خوش نصیب، زانوے فرزند رسول تمہارا سر۔ سعید کہتے مولا کوئی میرا سر دبا رہا ہے۔ کہتے ہیں سعید استقبال کرنا نا رسول اللہ سے، آئے ہیں تمہارا استقبال کرنے، یہ غلاموں کا مرتبہ ہے کربلا میں۔ کہا تھوڑی دیر گزری، سعید کہتے ہیں کوئی بایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہا کہ بابا نجف سے آئے استقبال کرنے۔ تھوڑی دیر گزری، کہا بایاں بازو کوئی دبا رہا ہے۔ کہا بھیا آئے ہیں بقیہ سے۔ اب سعید تھوڑی دیر میں چیخ مارتا ہے، کہتا ہے مولا کوئی کالے برقعے والی میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ کہا پیروں کو سمیٹ، میری ماں فاطمہ زہرا بقیہ سے تیرے استقبال کو۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے داستان، یہ داستان ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اور تبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ جتنی ہو سکے بات کریں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے 9 محرم الحرام ہے، مرکزی جلوس آج برآمد ہوں گے، تو اس وقت میں اس پر بھی جانوں گی اپنے نمائندگان سے کہ جلوس کتنے بجے برآمد ہوں گے اور کتنے بجے اختتام پذیر ہوں گے۔ میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ مفتی صاحب آپ سے میں بات کروں، کیونکہ جو شہدائے کربلا ہیں ان کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے، کہ صرف 72 جانثار تھے امام حسین کے اور اشقیہ کی فوج اتنی بڑی۔ تو یہ 72 کی تعداد جو ہے، اس پر تھوڑا سا بتائیں گے کہ آخر 72 ہی کیوں؟ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ شاید 150 کا بھی ایک فگر کوٹ کیا جاتا ہے۔ جی اس میں روایات ملتی ہیں، جو مستند روایت ہیں جو احناف یعنی اہل سنت کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ننھے بچے تھے اس وقت، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت اثر پر سوار ہو گئے، تو اللہ تبارک نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل میرے محبوب سے کہو طویل سجدہ کر دیں، جب تک حسین خود نہ اترے سجدے سے اٹھنا نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 1, 2, 3, 5, 7 نہیں، 72 مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کی تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور پھر اس کے بعد شہزادے حسین جب تشریف نیچے زمین آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ نماز مکمل کی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنا طویل سجدہ، ہم تو سمجھے خدا نہ خواستہ جیسے آپ کا وصال نہ ہو گیا ہو۔ اور کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں لگا کہ شاید کوئی وحی آ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، میرا شہزادہ میری پشت پر تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے میرے محبوب حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اس کو یہ آپ کی پشت پر ہے، تو آپ طویل سجدہ کر دیں، ایسا نہ ہو آپ اٹھیں اور حسین گر جائے، اس کو تکلیف پہنچے، حسین کو تکلیف پہنچانے والا مجھے تکلیف پہنچانے والا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو اے اللہ تو بھی اسے تکلیف پہنچا۔ تو ذرا سوچئے کہ جن خبیثوں نے، جن بدبختوں نے، شقی القلب لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اصحاب، آپ کے آل، آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والوں پر ظلم کیے، آپ کی جان کے در پہ ہوئے، فقط کس کے پیچھے؟ اے فلاں تجھے رے کی حکومت دے دی جائے گی، اے فلاں تجھے موصل کی حکومت دے دی جائے گی، اے فلاں تجھے مدینہ کا، تجھے مصر کا، تجھے شام کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر ذلیل حکومتوں کے پیچھے انہوں نے نبوت کے شہزادوں، حضور چومتے تھے گردن مولا حسین کی اور اشک بار ہوا کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت امام حسین کی شہزادے کی گردن کیوں چومتے ہیں، گلا کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس کی گردن کو کاٹا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا،
इसलिए फिर फरमा सूंघा करते थे दोनों शहजादों को, फरमाते हैं ये मेरे ये जन्नत के फूल हैं, मैंने खुशबू इनसे मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तो उन पर तीरों के मीं बरसाना, उनको प्यासा रखना, उनके ऊपर रोटी पानी उतना बायकॉट कर देना, ये कहलाते मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान नहीं। अफसोस के नमाज उस तरफ भी अदा हो रही थी और नमाज इस तरफ भी अदा हो रही थी। को डिफाइन आज दुनिया जो है मुफ्ती साहब, आज दुनिया यजीद को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और वो यजीद जो सरे हुसैन को छड़ी मार के कह रहा था कि आज मैंने अपने बड़ों का बदला ले लिया जो बदर में और खंदक में मारे गए थे, और एक सहाबी खड़े थे उन्होंने देख के कहा यजीद इन लबों पर तो मैंने रसूलुल्लाह को बोसा देते हुए देखा, ये वो लबे अथर हैं जिसको रसूल चूमा करते थे। अब भी दुनिया अगर यजीद को डिफाइन करे और यजीद को बरी उज़िम्मा करार दे तो फिर आज उम्मा की यही कैफियत होगी जिस कैफियत से हम गुजर रहे हैं। हम करबला को रस्म नहीं, करबला शरीयत है, करबला हमारी बका है, करबला हमारी जिंदगी है, करबला इस्तिकामत का नाम है, बेशक करबला डट जाने का नाम है, बेशक बेशक इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं। सदा आज भी गूंज रही है। अभी बहनों आपने अभी कहा ना कि हल मिन्ना सिन यंसुरना, हुसैन ने सब कुछ खत्म होने के बाद ये इस्तिगासा ये कयामत तक गूंजता रहेगा, ये हर मजलूम की आवाज है। बेशक इसमें सिर्फ एक जुमला ऐड करूंगा, बहुत खूबसूरत बात की आपने, कहा कि ये हुज्जत तमाम की मौला हुसैन ने, क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन इंसान की फितरत वो डिनाई करता है, अल्लाह पूछेगा तूने ये किया तूने ये किया, वो कहेगा अल्लाह मैंने नहीं किया, फिर उसके होंड बंद कर दिए जाएंगे, फिर उसका बॉडी उसके खिलाफ गवाही देगी। मौला हुसैन ने हुज्जत कायम कर दी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी मदद करो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं नवासे रसूल हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ। तो उन्होंने उनके ऊपर वही मोहब्बत की पट्टी पड़ी हुई थी, माल की दुनिया की मोहब्बत की पट्टी, तो आपने कायम कर दी हुज्जत कि कल क़यामत को जब इनसे पूछा जाएगा बदबख्तों से तुमने हुसैन की मदद क्यों नहीं की, तो वो कहेंगे कि जी हमें किसी ने कहा ही नहीं था, हमसे हुसैन ने भी नहीं कहा था, तो हुसैन ने कह दिया मैंने तुम्हें कहकर कल क़यामत के दिन तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है। और लास्ट नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको फ़लसफ़ा सारा समझ में आ जाएगा, नबी ने फरमाया मुझे अपने बाद तुम पर शिर्क का खौफ नहीं है कि मैं जाऊंगा तो तुम मुशरिक हो जाओगे, शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ एक खौफ है कि तुम दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लग जाओगे, और इसी दुनिया की खातिर यजीद पागल हुआ, इसी दुनिया की हुकूमतों के लिए, खिलाफतों के लिए, अपनी अमारतों के लिए जो जो इसके पीछे भागा, आज उसका नाम अच्छे से नहीं लिया जाता। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बड़े अच्छे अंदाज में आपने ये बात समझाई है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि आज मरकजी जुलूस पर आमद होंगे, और कराची की बात करें तो यहाँ पर दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से जुलूस पर आमद होना है, इंतजामात क्या किए गए हैं इस वक्त खुर्रम गुलजार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। खुर्रम बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम हराम का जुलूस दिन 1 बजे जो है वो नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस बरामद होने के बाद अली रज़ा इमाम बारगाह पर नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस मरकजी जुलूस जो है एमजना रोड तिब्बत सेंटर रीगल चौक लाइट हाउस जामा क्लास से होता हुआ बोल्टन मार्केट और फिर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पज़ीर होगा। बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रोड पर 6,000 से ज़ायद पुलिस के जवान और रेंजर्स के जवान जो है वो अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। साथ ही ओवरऑल कराची की बात करें तो 17,947 पुलिस के जवान जो है वो अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मरकजी जुलूस के अतराफ़ के रास्तों में बुलंद बाला जो इमारतें हैं वहाँ शार्प शूटर्स को तैनात किया गया, साथ ही जुलूस की जो है फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। साथ ही मरकजी जुलूस के रास्तों पर जो दुकानें हैं, तजारती मराकज, कारोबारी मराकज है, साथ ही जो होटल हैं उन्हें BDA और सुराग रस्ता कुत्तों की मदद से सर्चिंग के बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके बाद जो है वो जो इतराफ़ की जो इमारतें हैं जो कारोबारी मराकज हैं वहाँ भी पुलिस की जवान तैनात हैं, सड़कों और गलियों को जो है वो कन्नाते और कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। साथ ही जो ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के मुताबिक रास्ते जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, नश्तर रोड है, उसके अलावा TNT से
जोहेल रोड की तरफ टर्न किया गया, शारे फैसल है जो शहरी लैकताबाद की तरफ से आ रहे हैं उनको टीनटी की जाने मोड़ा जा रहा है, साथ ही नाजमाज से आने वाले जो ट्रैफिक है वो नश्ता रोड को इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह जो है वो ट्रैफिक प्लान बनाया गया जुलूस में बगैर स्टिकर वाली गाड़ी को भी दाखिल होने की इजाजत बनाया गया है। खुरम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। इस वक्त हम फैसलाबाद का रुख करेंगे जहाँ पर ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनसे हम जानेंगे कि वहाँ पर किस तरह अकीदत का इजहार किया जा रहा है और किस तरह नजराना अकीदत पेश किया जा रहा है। गुलाम दस्तगीर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में हमने देखा है कि हर कोई अहले बैत के गम में डूबा हुआ नज़र आ रहा है, हर कोई अशकबार है और अपने अंदाज में अकीदत व एहतराम का इजहार कर रहा है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से मरकज़ी इमाम बारगाह के बाहर मुख्तलिफ तबरकात जो हैं वो लगाए गए हैं जहाँ पर अज़ादार आ रहे हैं और अपनी अकीदत का इजहार मुख्तलिफ यहाँ पर जो अशिया हैं वो लेके, जैसे इमाम जामन है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो यहाँ पे अशिया पड़ी हुई हैं तबरकात है कड़े हैं और यहाँ पे अलम जो अलम पाक हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पर अकीदत का इजहार किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं किस तरह अकीदत का इजहार किया जाता है। हमने देखा है कि कोई रिंग खरीद रहा है यहाँ पे और कोई कड़े पसंद कर रहा है और साथ साथ आपने इमाम जामन बांधा हुआ। जी सर, ये हमारे दिल की तब तमन्ना होती है, हर साल इसी तरह हम ज़ोरों शोर से मुहर्रम मनाते हैं और हर शिया के दिल की आस होती है जब भी मुहर्रम आए। और जो ये 10 दिन होते हैं ये मुहर्रम के, जो शिया लोग होते हैं ये काम छोड़ देते हैं, अपने काम काज छोड़ के सारा साल कमाई करते हैं, लेकिन ये जो 10 दिन होते हैं इसमें कोई भी काम नहीं करना, 10 दिन अपने मुहर्रम के इधर इमाम बारगाह के पास ही रहना है। तो इसी तरह 8-10 साल हो गए हमें ये स्टॉल वगैरह लगाते हुए, हम इधर ही लगाते हैं ये स्टॉल, नाजरीन आती हैं। किस तरह गम का इजहार कर रहे हैं? आपका गुलाम दस्तगीर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। और आपको पता है नाजरीन, जैसे कि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि तमाम ही शहरों में आज के दिन की मुनासिबत से जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालस का अहतमाम किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी यौम आशूर पर पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात का इजहार किया है। तो PDMA के मुताबिक ये तेज़ बारिशें आज से शुरू हो जाएंगी। इस वक्त हमें महकमे मौसमियात से सरदार सरफराज साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है पंजाब में भी सिंध में भी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जैसे चल रहा है मॉनसून तो अभी अगले 2 दिन तो कोई इतनी बहुत तेज स्पेल नहीं है, पता नहीं PDMA ने क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आई। कुछ एरियाज में है इक्का दुक्का जगहों में, लेकिन जनरली तो कहीं लाइट रेन है कहीं मॉडरेट रेन है और हाँ इक्का दुक्का जगहों पे हो सकती है, लेकिन वो उसके परसों यानी कल रात या परसों के बाद है, 17 की रात से या फिर 18 से ज्यादा तेज स्पेल मतबकी है इस्लामाबाद और उसके गिर्द नवा में खिताए कोटवार और फिर KP के जुनूब सेंट्रल और जुनूबी जो हिस्से हैं गिद्दी आई खान वगैरह हो गया, सवाबी मर्दान चरसदा उन इलाकों में और इसी तरह से लाहौर और गिर्द नवा में, लेकिन ये कल रात के बाद ज़्यादा इम्कान है। आज और कल तो जनरली कहीं लाइट रेन है कहीं मॉडरेट रेन है। सिंध में भी इसी तरह से है, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी बारिश की तवक्को है और आज शाम में और कराची में भी इक्का दुक्का जगहों पे जैसे कल हो गया था बिल्डअप हीटिंग के बाद, तो आज भी इम्कान होगा कल भी होगा, लेकिन वो ज़्यादातर मज़ाफाती इलाकों में ही है। 19 और 20 को फिर बिलखसूस 19 को कराची में है मॉडरेट बारिश है, कराची के बेशतर एरियाज में एक्सपेक्टेड है और सिंध के भी बेशतर एरियाज में 18 की रात को या 19 को फिर ज़्यादातर इलाकों में है, कहीं पर लाइट रेन कहीं पर मॉडरेट रेन और इस तरह का स्पेल है। ये बहुत ये स्पेल जो है जो मतलब कहीं कल से शुरू है कहीं परसों सुबह से शुरू है इक्का दुक्का जगहों पे तो आज और कल भी है, तो इसमें कोई बहुत उतना खतरे वाली बात नहीं है। सही, चले सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपने इसे हमें आगाह किया है। और मैं अब चाहूँगी कि क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म होने वाला है और मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है हर साल मुहर्रमुल हराम में वाक़ करबला पर बात भी करते हैं, इस नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं और जो इसके पीछे एक फ़लसफ़ा वक्फ़ी है हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बारे में रहनुमाई मिले, लोग इस चीज़ को समझें, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में वो जो एक इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हमें उस तरीके से नज़र नहीं आती है। बस हर साल इन दिनों में सोज कर लेना, गम कर लेना,
अकीदत का इजहार कर लेना, लेकिन अमली तौर पर जब बात आए तो उस तरह से अमल ना करना, ये इंसान मुसलमान क्या कर रहे हैं? देखिए ना, जैसे कि हमने जो है ये तमाम फ़लसफ़े को एक रस्म समझ लिया है, जिसकी वजह से आज दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक में हर जगह मुसलमान जो है पूरी दुनिया में पिट रहा है, मार खा रहा है। उसकी असली वजह यह है कि हमने करबला से हरारत हासिल नहीं की, उम्मा ने करबला के मकसद को नहीं समझा। इमाम हुसैन के आज का दिन और कल का दिन तजदीद अहद का नाम है। हमें करबला में इमाम हुसैन ने एक इंसानियत की ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई थी जहाँ हर रिश्ता मौजूद था, जहाँ हर नस्ल का इंसान था, जहाँ हर कबीले का आदमी था, जहाँ हर सनो साल का, यहाँ तक के 6 महीने का बच्चा भी था। इमाम हुसैन उम्मत मुस्लिमा को बताना ये चाहते थे, बल्कि आलम इंसानियत को बताना ये चाहते थे कि करबला आलम इंसानियत के लिए बका की यूनिवर्सिटी है। अगर जीना है तो हुसैन की तरह जियो, मरना है तो हुसैन की तरह मरो। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। बड़ी आपने अच्छी बात की है। मैं चूंकि वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करूंगी और दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि इन शख्सियात कम जितना जिक्र हो सके करें। ये अहले बैत की मोहब्बत ही है जो कि हमारी बख्शिश का जरिया बनेगी और इन्हीं के सदके हमारी हर जायज़ ख्वाहिश भी पूरी होती है। तो अल्लाह ताला हमें ये हिदायत दे कि हम इनके नक्शे कदम पर चल सकें, इनकी तालीमात पर अमल कर सकें। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सभी का शुक्रिया। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। शहीद करबला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।